माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, अर्थात ये धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र। नमस्कार, अवनिश्चय पृथ्वी और मनुष्य समूह की तरफ से आप लोगों को पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अवनिश्चय में हमने पहला स्थान अवनि अर्थात पृथ्वी को दिया है तथा दूसरा स्थान मनुष्य को दिया है, क्योंकि पृथ्वी से ही हमारा जीवन है या फिर पृथ्वी हमारा जीवन है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। पृथ्वी ने अपने गर्भ में हजारों रत्न व खनिज समा रखे हैं जो मनुष्य की हर आवश्यकता को पूरा करते हैं। ये रिसोर्सेज हमारे सस्टेनेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पर इनका आवश्यकता से ज्यादा दोहन हानिकारक है। ये हमारी पृथ्वी को बर्बाद कर रहा है। परंतु मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सारी सीमाएं लांघ चुका है। अपने हित के लिए वह वृक्षों को काट रहा है, जीवों के घरों को उजाड़ कर वह उन्हें बेघर कर रहा है तथा समस्त पृथ्वी को छिन्न भिन्न करता चला जा रहा है। उसकी इस विनाश लीला के कारण प्रकृति के संतुलन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण तथा ताप वृद्धि जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आज दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी जहाँ एक तरफ समस्त मानव जाति के लिए खतरा बनी हुई है तो वहीं दूसरी ओर प्रकृति के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे पृथ्वी के प्रदूषण स्तर में बहुत कमी आई है, जिसका अंदाजा हम लोग विभिन्न शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स में आई कमी से लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, इससे ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर भी अपने नए जीवन को प्राप्त कर रही है। पृथ्वी को तो बहुत फायदे हैं, पर क्या वो बने रहेंगे? कोरोना के जाते ही प्रकृति द्वारा प्रदान संसाधनों का फिर से दोहन शुरू हो जाएगा। पर यदि हम अपनी पृथ्वी के प्रति सचेत और सजग रहेंगे तो हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं, अर्थात अपनी जीवन अवधि बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आइए हम संकल्प करते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग यथासंभव बंद कर देंगे, कागज का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और रिसाइकल प्रक्रिया को बढ़ावा देंगे, पेड़ों को नहीं काटेंगे, पानी का उपयोग आवश्यकता अनुसार करेंगे तथा खाद्य पदार्थों को बर्बाद होने से बचाएंगे। इन कदमों के माध्यम से हम अपनी पृथ्वी में नए जीवन का प्राण फूंक सकते हैं तथा इसे बचाने का संपूर्ण प्रयास कर सकते हैं। आज विश्व जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है। समस्त विश्व के नेतृत्व करने वाले लोग हमारे ग्रह का भविष्य निर्धारित करेंगे। लेकिन आपको हमारे भविष्य के नेतृत्व करने वाले लोग निर्धारित करने हैं, जो हमें और आपको सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा दिला सकें, रहने के लिए स्थान दिला सकें तथा स्वच्छ कृषि प्रणाली दिला सकें, एक अच्छी जिंदगी दिला सकें। अगर हमारा पर्यावरण रहेगा तभी हमारी पृथ्वी रहेगी, पृथ्वी रहेगी तो हमारे संसाधन रहेंगे, संसाधन रहेंगे तो हम रहेंगे। अतः हम सबको मिलकर हमारे संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग करना होगा, जिससे हम अपनी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को खुश रख सकें। क्या हम लोग इस कार्य को पूर्ण रूप से कर सकेंगे? क्या हम हमारी ही उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? निश्चय ही इसका निर्धारण हमें करना होगा। इसी के साथ हम उन सभी बहादुर लोगों का सहृदय धन्यवाद करते हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी के समय में इसके खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं। हम अवनि समूह के सभी लोग आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और अंत में मेरा आप सभी से आग्रह है कि पृथ्वी माँ के साथ ना कोई छेड़छाड़ हो और ना ही कोई व्यवधान उत्पन्न हो, जिससे प्रकृति माँ की सुंदरता सदैव बनी रहे। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि मानवता के कल्याण के लिए हम अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह छोटा सा संदेश अच्छा लगा होगा और आप भी इसका अनुसरण करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।